टोकन कब तक चलेगा? शाम तक के लिए 5 रुपए, उसके बाद 10 रुपए। अच्छा भैया चाय। जाओ वहाँ रख दे। ये हेलमेट कहाँ रखो? वहाँ टेबल पे रख के जाओ। ये लो भैया। हाँ ला। ये क्या भैया, गर्म ही नहीं है? कितनी दूर से लाया हूँ, तो ठंडी तो होगी ना, पी जाओ। लो भैया चाय, चाहिए तो हाँ करो, नहीं चाहिए तो मना करो। ए वो देख, बिहारी की गाड़ी आ रही है। कहाँ? वो देख, ठीक से देखना। अरे हाँ यार, वो देखो आ रही है। ए गुरप्रीत जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों रे, वो क्या बिहारी की गाड़ी आ रही है। निकाल धारिया, निकालो निकालो निकाल, जल्दी निकाल। जल्दी आओ। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें दिखाई ना दो इसलिए यहाँ एक कोने में साइकिल की दुकान चला रहा हूँ। आपके परिवार को चोट पहुंचाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भैया। अमूल्य, भैया 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 मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ऐ, बापू झूठ बोला था कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये दुनिया में वो कहीं भी क्यों ना हो, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बैंक में आपका प्रमोशन मिला है ना, इसलिए। थैंक यू, बाय अंकल। बाय बेटा। अरे 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 सब कुछ क्या है? मुकुल मुकुल, अपार्टमेंट में सांप घुस गया, जल्दी आ, जल्दी बाहर आना, जल्दी बाहर निकल यार, जल्दी आ मुकुल। अरे बाप रे, बस बस बहुत हो गया। आई कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे अब क्या हो गया? यही रुक, अभी आता हूँ। अरे मुकुल वापस क्यों जा रहा है? अरे यार जल्दबाजी में चट्टी बनना भूल गया। जल्दी आ। कहाँ है, कहाँ है साहब, कहाँ है? यहाँ है। अरे क्या कर रहे हो? बॉस बॉस, सांप यहाँ नहीं है, वहाँ ऊपर है। अबे तो फिर यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है? सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। सांप पकड़ने के लिए इतनी तेजी से जा रहा हूँ, लेकिन तू क्या नुमाइश की फोटो खींचने के लिए निकला हुआ है? बस तुम्हारी सांप पकड़ते हुए वीडियो बनाकर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। यानी जैसे डिस्कवरी चैनल वगैरह है ना। एक काम कर, कैमरा पैरों से ऊपर उठाना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है? वो जो सांप है वो बहुत जहरीला सांप होगा, शायद लंबा भी होगा, लेकिन पकड़ने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन इस पर मुझे भरोसा है, इसका जो ये सिर है, इसे सांप के सामने ऐसे लहराऊंगा ना तो लगता है शायद वो डर जाए। कम ऑन लेट्स गो। एक मिनट, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। अरे अंदर आ। ये जो हैं, ये अपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। इनके कपड़े जरूर बच्चों जैसे हैं, लेकिन बहुत सिंसियर हैं। देख रहे हो ना कितना आराम से फायर ब्रिगेड को बुला रहा है। आ जा 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 जा। अरे ऊपर आ जाना। अरे तेरे आने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू कर क्या रहा है? ये क्या अमिताभ बच्चन है? क्लोजअप मत रख यार, चेहरा फट जाएगा। अब सांप को पकड़ने चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। एक मिनट, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये है सेक्रेटरी की बेटी स्नेहा, हम दोनों के बीच एक छोटा सा कनेक्शन है। हां व्हाट इज दिस हनी? तुम सांप पकड़ने के लिए जा रहे हो ना, तो दूध और अंडा। सांप क्या कसरत करता है अंडा और दूध पीने के लिए? एनीवे थैंक्स, अगर तू साथ में रहेगी तो सांप क्या अजगर भी पकड़ लूंगा। कम ऑन लेट्स गो। तो मेरी लड़की को कहाँ ले जा रहा है? सांप पकड़ने। सांप पकड़ने के लिए इसे नहीं भेजूंगा। तो क्या पकड़ने भेजोगे? तू अंदर जा रही। अच्छा फायर ब्रिगेड को फोन किया ना, वो आ गया क्या? वो मेरे फोन करने से नहीं आ रहे हैं। तो फिर तुमने क्यों फोन किया? इसके लिए किया था। अगर तुम भूल से आधा पापड़ भी खा लो तो वही तुम्हें हजम नहीं होता है, ऐसे में पूरा पिज्जा कहाँ से हजम होगा? चल, वो जैसे ही आउट गया ना वहाँ तक फिल्म काट देना, मेरा टाइट क्लोजअप रखना, दरवाजा तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बस आराम से दरवाजे से होकर मत जाना, नहीं तो डिस्कवरी वाले फिल्म नहीं लेंगे।
ये तू क्या कह रहा है? रिस्क लेकर किसी रोशनदान या खिड़की से जंप करेंगे तभी थ्रिल आएगा। बिल्डअप करना है क्या? हाँ बॉस। तो यार उसके लिए क्या करें? दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। लगता है अंदर से दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा है, तू कोशिश करना। ओहो, मैं इतनी देर से खुले दरवाजे को पीट रहा था। अपने आप को सेक्रेटरी बोलते हो और तुम लोग इस पे भरोसा करते हो? उल्लू का पट्टा। अरे बाप रे, सांप सांप! अचानक मेरे पैर में कुछ लगा तो मुझे लगा सांप है। बहुत बदबू आ रही है, लगता है संडास की लाइन है, लेकिन बर्दाश्त करके ऊपर वालों की जान बचानी होगी, ये मेरा कर्तव्य है। कम ऑन, लेट्स गो। छी, लड़की है, लड़की की तरह रहे। ओहो, ये तो वैसी वाली फिल्मों की तरह लग रहा है। ए, इतना बिल्डअप काफी है ना? कहाँ है साहब, कहाँ है साहब, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाय हाय वसंत। हाय मुकुल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं सांप पकड़ने के लिए आया। तुम? मैं लड़की को पकड़ने आया था, पकड़ लिया। तू सांप पकड़ना? इट्स ओके, ये तो होता ही है। बाय द वे, सांप कहाँ है? वो देख, बैठ के ऊपर। यहाँ है, कहाँ है? तेरी आज ऑफिस की छुट्टी समझ ले। ये तो बहुत खतरनाक सांप लगता है। ये क्या, लोकेशन पर आ गए? ये क्या बॉस, पसीने पसीने हो गए? सांप का फन देखते मेरे पसीने छूट गए। हिम्मत से उसका फन पकड़ लो ना। पकड़ता हूँ, पकड़ता हूँ। तुझे सांप का क्लोजअप दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। समझ गया, तू जरा सा इस तरफ आ, सांप के चेहरे का जरा क्लोजअप ले। आजा, 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 जरा झुक जा, आराम से झुक के खींचना, ठीक है? बॉस, सांप तो एकदम गब्बर सिंह की तरह दिख रहा है। अच्छा, जरा तू अपना चेहरा दिखा। ये क्या बॉस, मेरा फोटो क्यों? ये प्रोग्राम जब टेलीकास्ट होगा ना, उससे पहले तुम्हारा कटआउट लगवाना होगा ना, इसलिए। थैंक यू बॉस। Very sorry. I am sorry. तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसलिए तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, ऊपर से चश्मा पहन रखा है, क्यों बार बार टक्कर मार रहे हो? मैडम नमस्कार, टक्कर मेरे से लगी है, उनसे नहीं लगी है। मेरी गाड़ी में ब्रेक कम है, एक पूजा के लिए जल्दी जाना है, बुरा मत मानिएगा। सॉरी। अरे आगे बढ़ो ना यार। Excuse me. Hey, ये क्या कर रहे हो? Hi Priya, मेरा नाम है वसंत, ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। मेरा एड्रेस, सेल नंबर सब इस कार्ड में है। यही बोलने के लिए वापस आए हो क्या? ऐसा नहीं है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्यों ना हम दोनों मैरिज कर लें? What? एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पहली नज़र में प्यार होता है, वैसे ही है मैरिज भी। अब नाम को ही देखिए, वसंत प्रिया, वसंत प्रिया, कितना बढ़िया लगता है ना, जब नाम मिल जाते हैं ना तो सब बढ़िया होता है। क्यों तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हें देखने आऊँगा और तब देखने के बाद हाँ कहूँगा तब मान जाओगी क्या? बिना किसी खर्चे के मैं प्यार और मैरिज करना चाहता हूँ, ये गलत है क्या? अभी कुछ मत बोलो, अच्छी तरह सोच के अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जवाब देना। मैं ऐसे कहीं भी नहीं जाती। ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कल ज्योति शोरूम पे आ जाना, ठीक है? अगर हाँ कहती हो तो वहीं पे मैरिज की साड़ी ले लेंगे। ओके बाय। Ha 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 ha!
तू हंस क्यों रही है? हंसू नहीं तो क्या, तूने बात ही हंसने वाली कही। एक इंसान आकर रोड पे तुझे रोक कर तुझसे शादी करनी है ऐसा बोल के चला गया। क्यों, इसमें गलत क्या है? जो घर आकर बोलना चाहिए था वो उसने रोड पे रोक कर बोला। सो आजकल के लड़के कुछ एडवांस ही थिंक करने लगे हैं। एडवांस थिंक करते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन ड्रिंक्स करके एडवांस फील जरूर करते हैं। अरे तुमने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है? गंदा बनियान और फटी हुई लुंगी पहनकर नाली के पास पड़ा होगा। कस्टमर को फोन करके लोन की डिटेल मांगने को कहा, लेकिन तू उसे अपनी डिटेल दे रही है। फोन रखे काम कर, फ्री के फोन में लव कर। Excuse me. This is Rajkumar. Nice to meet you. I am working in MNC company at Mumbai. I am here to apply a loan, sir. My monthly salary is 37K. I have an individual bungalow at Lokhanwala. I have so many four wheelers and two wheelers. This loan is for two trucks, sir. इस सब के नीचे चाय की दुकान में प्रैक्टिस करके आया ना, तुझे लोन नहीं मिलेगी। Get out. Sir, I'm very decent. Yeah. एक मिनट तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये कैसा दिख रहा है? ये भी काफी decent लग रहा है। इसने हमारे पास से लोन लिया है। अब मैं इससे पैसे मांगता हूँ, क्या जवाब देता है देखना। सर मैं मुकुल बोल रहा हूँ, वो लोन का पैसा कब? बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो, तेल छिड़क के आग लगा दूंगा। सॉरी सर, नहीं मांगूंगा। तेरे जैसे ये एकदम डिसेंट है, बहुत ही मीठी जुबान से, फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा था, अब पैसा लौटाने की औकात नहीं है। एक काम कर, ये किराए के कपड़े जाकर लौटा दे, बेचारे ढूंढ रहे होंगे। सर, फाइनली आई एम आस्किंग, यू आर गिविंग लोन और नॉट? एक तो लोन मांग रहा है, ऊपर से तू मेरी कमीज पकड़ रहा है, ऊपर से ये चश्मा ताकि आंखों में चोर ना दिखे। लगता है ये भी तूने कहीं से चुराया होगा। गणपट्टी में एक दूंगा तो बहरा हो जाएगा। जाओ भैया, ये कौन होता है लोन सैंक्शन करने वाला? मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन करता हूँ। किस किस को लोन देना है किसको नहीं देना है अच्छी तरह जानता हूँ, इंसान देखते ही मैं पहचान लेता हूँ। तू किसी इंसान को देख या उसके चाल चलन को देख, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन इसको अगर लोन दे दी तो जिंदगी भर नहीं भरेगा। जब ये लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं तो तू बीच में क्यों आ रहा है? ये देखो, ये रोटी को उल्टा करके मुझे ही खिलाने पर तुला हुआ है। सर, मैं आपका लोन ऐसे वापस लौटा दूंगा। अभी से ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लौटाने के लिए बॉडी लैंग्वेज से बता रहा भैया। तुम किसी बात की चिंता मत करो, सैलरी सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, ये सब लाकर दे दो, तुरंत लोन सैंक्शन कर दूंगा। सर ये सब देने पड़ेंगे क्या? ठीक है रहने दो, ये लैपटॉप मेरे हवाले करके चले जाओ। मांग रहे ना, देना। लैपटॉप को मैंने टॉपअप नहीं किया है, पैसे नहीं। अरे सेलफोन में ही तो टॉपअप करते हैं, ये क्या नया मॉडल है? अरे तुम चलो, देखूं तो सही कैसे टॉपअप करते हैं। अरे रुक ना, मैं चोरी थोड़े ही कर रहा हूँ। क्या हुआ? डिसेंट फैमिली, भीख मांग के खाना खाता है। उसे पकड़ो। अगर तूने उसे लोन दे दी होती ना तो टोपी के बदले वो ये पहना के जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। प्रिया आई पिताजी, ये लीजिए। सुनिए, आप भी चल रहे हैं? कहाँ जाना है? माँ से मिलने आप भी चलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, जवाब तो दो। मुझे बहुत काम है। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम देख रहे हैं, वो भी संडे के दिन? एक आदमी की ही तो ऑडिटिंग देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे शहर की देख रहे हो। जिसके लिए देख रहा हूँ पूरे शहर के बराबर है, ये तुम्हारी समझ में कहाँ आएगा? हेलो, क्यों प्रिया निकल गई क्या? कहाँ के लिए? अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने के लिए। चाचा मैं क्यों जाने लगी? कल जिस तरह से तू बात कर रही थी। बात कर रही थी, सोचा तू उससे मिलने जरूर गई होगी, मैं होती तो चली जाती। किस लिए? ऐसे ही थ्रिल यार, वो हमारी बिना मर्जी के कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिलने चली जाती। ओके यार, आई विल सी यू टुमारो, बाय। माँ तुम्हें तो कहीं और जाना था ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी दादी के लिए साड़ी खरीदनी है, रास्ते में मुझे उतार देना। कौन सा शोरूम? ज्योति मॉल का। ज्योति मॉल जा रही है? ज्योति मॉल जाने के लिए तो कहा है, लेकिन तू तो ऐसी चौंक रही है जैसे मैंने कुछ और बोल दिया हो। ठीक है अब चल। हो ठीक है चलो। अरे आना, मुझे बंगाली कॉटन साड़ी देखनी है, कहाँ है? वहाँ सीधे चले जाइए, वहीं पर है। थैंक्स। हाँ, बंगाल कॉटन साड़ी दिखाना। ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना माँ? हाँ। हे, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हेलो मैडम, ये साड़ी मैंने सेलेक्ट की है।
ओफो, तू भी कुछ देख लेना। सारी साड़ियाँ अच्छी है माँ। ये नया डिजाइन है, कल ही आया है। माँ पैक कर लो ना, सारी साड़ियाँ अच्छी है, जल्दी से बाय समथिंग फास्ट। ये देखिए। हाँ ये भी अच्छी है, चलो चलते हैं। हेलो आंटी, होने वाली पत्नी की साड़ी खरीदनी है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक अच्छी साड़ी सिलेक्ट करके देंगी क्या? वो लड़की देखने में कैसी दिखती है? ये कौन है आंटी, आपकी बहन? है ये मेरी लड़की है। ये बात है, वो भी इनकी जैसी दिखाई देती है, मुंह वगैरह हाइट भी ऑलमोस्ट यही है। तब तो ठीक है, लाओ मैं देखती हूँ। ले लीजिए। अच्छा ये देखिए आंटी। दिखाओ। माँ मैं क्या ट्रायल रूम हूँ क्या? अरे चुप रहना। ओके है ना आंटी, ये वाली देखिए। रुको रुको, ये वाली, ये कलर, हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, ये वाकई अच्छी है। ये वाली ले। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, ये साड़ी मेरी प्रिया को बहुत पसंद आएगी आंटी। अरे रे, इसका नाम भी प्रिया है। What a coincidence, लेकिन वो प्रिया बहुत खूबसूरत है आंटी। ए, नॉटी। बहुत बहुत थैंक्स आंटी। कोई बात थैंक्स नहीं। प्रिया वो साड़ी दिखाना। अभी दिखाता हूँ मैडम। ए, आओ ना। मम्मी आंटी प्लीज रुको, आती हूँ। माँ मैं शलवार कमीज देख कर आती हूँ। क्या है? तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, बाहर चल के। बाहर मैं नहीं चलूंगी आंटी। हे ओके ओके, ओनली 10 मिनट्स। थैंक्स। किस लिए? मेरी बात मान के इतना दूर तक आई? यहाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, माँ को साड़ी खरीदनी थी उनके साथ आई। तुम मुझे वहाँ ढूंढ रही थी। कहा ना मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, मैंने खुद देखा ना। क्या लेंगे सर? एक कोल्ड कॉफी मेरे लिए, फिल्टर कॉफी इनके लिए। क्यों? मेरे लिए भी कोल्ड कॉफी। ठीक है, दो कोल्ड कॉफी। ओके सर, अभी लेकर आता हूँ। सॉरी सर। लो पियो। या अच्छा प्रिया, कल दोबारा कब मिलेंगे? कल दोबारा किस लिए? मैं नहीं आने वाली। कल भी तो तुमने आने के लिए मना किया था, लेकिन आज आ गई ना। खैर आने की बात छोड़ो, 10 मिनट ही रुकूंगी तुमने कहा था, लेकिन कॉफी पीने के लिए आधे घंटे तक रुक गई ना। मतलब कॉफी पीने के तुम्हारे पीछे आई हूँ क्या? तो फिर मैरिज के लिए हाँ करने आई हो क्या? हेलो, माइंड योर वर्ड्स। मतलब मैरिज के लिए मना करने के लिए आई हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर जो तुम्हें पसंद नहीं है उसके साथ बैठ के कॉफी क्यों पी रही हो? स्टॉप इट। दो कोल्ड कॉफी। ओहो प्रिया। मैडम चेंज। चेंज उसे दे दो। ये क्या प्रिया, मेरी मजाक को तुमने सीरियस में ले लिया? स्टॉप इट। आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाली हूँ। बिना मेहनत के कुछ मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती, सोच कर देखोगे तो जानोगे। गुड बाय। ढूंढा जिसको सारे जग में वो है यहाँ, दिल में मेरे जो बस गई है वो है यहाँ। मेरा है सच्चा प्यार ये, उसका है चेहरा आंखों में, ख्वाहिश मन में जागे ये, मैं मिलता रहूं बस उसको, खो जाऊं प्यार में, आँखों में जी अब चाहे ये मेरा, बस डूबा ही रह जाऊं। ढूंढा जिसको सारे जग में वो है यहाँ, दिल में मेरे जो बस गई है वो है यहाँ, ओह प्यार में जिसके दुनिया भूला वो है यहाँ, जुल्फों के साए जिसके भाए वो है यहाँ। तेरे फ्यूचर हस्बैंड का क्या हुआ? मैं भला क्या जानू, मैं तो उसे मिली ही नहीं। तू तो बोल रही थी तुझे उसने विजिटिंग कार्ड दिया था। ओहो उसे तो मैं उसी दिन भूल गई। थोड़ा सा काम है, खत्म करके चली जाना।
लागे पास है वो। ओहो तेरे बिना अब जीना नहीं है, चाहूं तुझे मैं इतना, सांसों में मेरी तू ही है, ख्वाबों में मेरे तू है। तुमने लोन अप्लाई किया है? हाँ, क्यों? तेरी जान पहचान का कोई यहाँ काम करता है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। Excuse me? Yes, madam. मैंने यहाँ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था। उसी के बारे में बात करना था, जरा देखकर बताइए ना। एक मिनट मैडम। हेलो विलियम, उन दोनों को यहाँ भेज दो। मैडम AM आपको बुला रहे हैं। ओके थैंक यू, यूर वेलकम। बहुत सड़ेल लग रहा है, तू जाके मिलकर आ, मैं यहीं वेट करती हूँ। एक बटन खोल के बैठेंगे ना, सामने वाला झांसे में आ जाएगा। चल कम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ बोलिए। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, उसने हमें आपके पास भेजा है। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। बेचारी, ऊपर वाले ने इतना सुंदर बनाया लेकिन एक कमी रख दी। कौन सी कमी? इन्हें दिखाई नहीं देता है ना? नो नो, शी इज नॉट ब्लाइंड। वेरी सॉरी, आप आते समय इनका हाथ पकड़ के चश्मा पहन के आई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा, बुरा मत मानिएगा। लोन कब मंजूर होगा? एक विटनेस की साइन चाहिए, आपकी फ्रेंड से करवा लीजिए। शी इज नॉट हैविंग एनी अकाउंट हियर, इट्स इन सम अदर ब्रांच। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। आपकी इनकम डिटेल्स और एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। ओके राहुल, इन्हें भेज रहा हूँ, जरा देख लेना। आपके सारे पेपर्स वहाँ टेबल पे हैं, जाके साइन कर दीजिए, तब तक मैं इनसे डिटेल्स ले लेता हूँ। आप अपनी जानकारी देंगी? नाम क्या है? गुंगी है क्या? हाँ प्रिया। पिताजी का नाम? नारायण। और एड्रेस? 17 अरुंधति स्ट्रीट, गोरेगांव, मुंबई। देखिए यही है ना। सर मैंने सारे पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। वेरी गुड, 10-15 दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, बैठिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, yes? अगर ड्यू भरने में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इन्हें पकड़ेंगे, ठीक है? आपके लिए भी ठीक है ना? हाँ। चल प्रिया, थैंक यू सर। देखा, एक बटन खोलने से हमारा काम कितना जल्दी हो गया। Excuse me? Yes? अंदर AC काम नहीं कर रहा क्या? क्यों, काम कर रहा है ना। ये बटन खोल के घूम रहे ना, इसलिए मैंने पूछा। Stupid. कुछ भी पूछो stupid बोल देती हैं। वो सूटकेस दो। ये लीजिए, अब तुम जाओ। अच्छा चलता हूँ। हाँ प्रिया कहाँ है? वो तो 10 बजे ही सो गई। आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, पानी लेके आओ। ठीक है लाती हूँ। कॉफी शॉप में क्या तुम ही कूलिंग ग्लास पहन सकते हो? हाँ और वही, मैं अगर बैंक में पहनूं तो मैं अंधी। मैं क्या गूंगी हूँ? अरे तुझे क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं माँ। ओहो, लगता है इसे कुछ हो गया है। हे देवी काली माँ, जो भी दुष्ट आत्मा है वो निकल जाए। जय माँ काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय माँ काली।
जय माँ काली, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, जय माँ काली। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। ओहो, अब कोई कष्ट नहीं हाँ। होगा, निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा चलते हैं। हाँ, ठीक है। चल इस तरफ से चलो। उधर से क्यों? ए विभूति माथाडा, नहीं तो मंत्र कम नहीं करेंगे। हेलो आंटी। हाँ? कौन हो? पिछले हफ्ते कपड़ों के शोरूम में। अरे तुम अच्छे हो ना, शादी हो गई क्या? नहीं आंटी, मैं तो जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी भी प्यार करने के लिए बोल रही है। ओहो, अच्छा ही तो है, एक दूसरे को ठीक से समझ लेंगे ना। अच्छा आंटी, आपकी लड़की को कोई भूत भूत चिपटा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटे, आधी रात में उठकर शीशे में देखकर मैं अंधी नहीं हूँ, गूंगी नहीं हूँ, ऐसे बोलकर बड़बड़ाती है, झाड़ फूक से ठीक हो जाएगी मैंने सोचा, इसीलिए मैं लेके आई। संभल के रहना आंटी, कहीं प्यार व्यार का चक्कर ना हो। हाँ सही कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। माँ मैं जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो ना। अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। सिर्फ आप ही नहीं आंटी, इन्हें भी बुलाऊंगा। वो लड़की कौन है? प्रिया है दादी, आपसे मैंने कितनी बार बताया ना दादी। एक दिन हमारे घर लेके आना बेटे। बेंगलोर कौन सा नमक भेजा? गोदाम में जो दिखाया था वही वाला। जरा दिखाओ तो। उन्हें यही वाला भेजा है। भैया जी नमस्ते। भैया जी आपसे मैं धोखा करूं ऐसा आदमी नहीं हूं, ये काम हमारे गांव वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोगों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। अपू को मुंबई में देखा गया है, उसके साथ भंगार वाला कालिया भी देखा गया है, वो मुंबई में है, उसे उठाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। भैया जी ससुर का नाती कोई भी क्यों ना हो, छोड़ूंगा नहीं। प्रिया है क्या? कौन सी प्रिया? प्रिया वसंत। प्रिया वसंत? पहले प्रिया अग्निहोत्री थी। तुम कौन हो? मैं उसका मंगेतर हूँ। प्रिया एंगेज हो गई क्या? जी हाँ, बहुत साधारण तरीके से किया, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड अनु को भी पता नहीं है। तुम भी किसी से मत बोलना प्लीज। इट्स ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बुलाओ उसे। नहीं नहीं, सरप्राइज रहने दो, कहाँ जाना है बताओ, मैं चला जाऊंगा। ओके अंदर जाके राइट। ठीक है थैंक्स। ओके हाय अनु। हे वसंत, व्हाट अ सरप्राइज, बिना बोले अचानक। बिना बोले आने में ही मजा होता है, बोल के आने में क्या मजा। ओके व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी कॉफी ड्रिंक? गर्मा गर्म बियर। बियर रियली? अरे मैंने तो मजाक में कहा, टेंशन मत लो। अच्छा जो तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो लोन मंजूर हो गया, एक हफ्ते में मिल जाएगा। हे थैंक्स वसंत, थैंक्स। ये बोलने के लिए तुम इतनी दूर तक आए? सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में एनुअल डे का फंक्शन है, उसमें तुम जरूर आना। और इससे भी जरूरी बात है, उस दिन जिसने तुम्हारे लिए विटनेस के साइन किए थे और उसका नाम भी कुछ ऐसा ही मारिया पारिया था। प्रिया वसंत। हाँ प्रिया, उन्हें भी जरूर लेके आना। She is here, खुद ही बोल दो। Hey, प्रिया। Hi. तुम यहीं पर हो, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके अनु बाय। ओके बाय। ए जल्दी तू भी आ जाना। हेलो तेरा फियांसी आया था, मिली क्या? फियांसी? चोरी चोरी एंगेजमेंट हो गया, तुमने ये अप... मौसी अब एक चित्र बनाने वाली है, सब लोग ताली मारो जोर से बच्चों। मौसी बोर्ड सामने है, जाओ जाओ सीधे। अबे ये कैसा खेल है, आंखें बंद करके संभल के संभल के चित्रकारी करना, मजाक बना रखा है। थोड़ा कारण कोई और नहीं, ये जो खड़ा है ना ये है, इस छिपकली को जरा हिलाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ खेलने के लिए कहा था ना? तेरी दीदी के साथ खेलने के लिए कहा था, अब आई है, तू इसे ले जा, ये तुम्हारे साथ में बहुत अच्छी तरह से खेलेगा। चलिए ना, चलिए ना। अभी तो जाता हूँ, बाद में तुझे देखूंगा। सलाम मौसी को देखो, चित्र बनाया देखो। सलाम मौसी को देखो, चित्र बनाया देखो। सलाम। गाना बंद करो। उस दिन जब अम्बे माँ की पूजा करवानी थी तब तो भजन गाने के लिए इनमें से कोई भी नहीं आया था, अब यहाँ आके मौसी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। सरला मौसी को देखो। मौसी कितनी मुश्किल से मना रही है, तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है?
मौसी की जरा ड्राइंग तो देखो, पूंछ पेट से निकल रही है, जो दिखने में पूंछ भी नहीं लग रही है, और ऊपर से इतना बड़ा इनाम देने के लिए चित्रकारी का ऐसा मुकाबला रखना ही पड़ता है। ऐसा बड़ा इनाम कौन सा दे रहे हो, वर्ल्ड कप दे रहे हो क्या? अरे वो नहीं, ये देख, लगता है किसी ट्रेन के बाथरूम से चुरा कर लेकर आया है। होए, मौसी ड्राइंग में अगर जीत गई तो इसे ले जाकर मौसी क्या करेगी? बड़े आए ड्राइंग का इनाम देने वाले। ए सोनाली, थोड़ा ढीला बांधना। ढीला बांधने से दिखाई देगा ना? रूल इज रूल। चल रे, चल। रेडी अंकल। हाँ? मौसी, कॉलोनी के सारे लहंगे कोई चुरा के ले गया क्या, जो ये बोरी बांध कर आ रही है? अरे बुद्धू, ये सैक रेस है। हाँ? हे कैस्ट्रो मुखर्जी के भाई, ये कॉलोनी छोड़ के नहीं जाएगा क्या? खेल के लिए मैंने ही तो बोरिया दी है। जैसे ये आईपीएल मैच है और इसने टीम खरीद रखी है, साथ में बोरिया स्पॉन्सर करके मैच देख रहा है, वो भी साइकिल के ऊपर। तू बेकार में लोगों से क्यों लज रहा है यार? अरे इसे बोलने पर तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि इस गेम का आविष्कार हमने किया है। ओ, इसका आविष्कार किया है? हाँ। अबे वो देसी खजूर के बीज, इस गेम का आविष्कार क्या झुक कर किया था? आ जा, इस गेम का मजा झुक के देखने में आता है। नीचे झुक के देख, तब दिखाई देगा। पसंद आया? सुपर है। ये रोज नहीं रख सकते क्या? बोरियां तू स्पॉन्सर करेगा क्या? हे, ये क्या लोन मांगते हो, यहीं चली आई? मौसी कहाँ है? वो ऑटो में वेट कर रही है। वसंत कहाँ है? वो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ आँख में चोली खेल रहा है। खैर उसकी बात छोड़ ना। एक्सक्यूज मी, अभी आता हूँ। चल गया क्या? चल गया क्या? तू यहाँ का सेक्रेटरी है ना? जोड़ी जोड़ी बिठा कर चढ़ गया क्या? चढ़ गया क्या बोल रहा? छी, ए, ये स्लो बाइक रेस है। जोड़ी जोड़ी बैठ के धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, वो वहाँ पे एक बड़ी सी लकीर दिख रही है ना? हाँ। वहाँ आखिर में जो भी पहुँचेगा उसे ये दो प्लेटें पुरस्कार में दी जाएंगी। पहले तूने चोरी का मग दिया और अब खाने की प्लेट दे रहा है। इनाम में कुछ और देने का नहीं सोचता है क्या? तू इतना बोले जा रहा है, इस मुकाबले में भाग लेकर तू जीत सकता है क्या? देख यार मेरी बात सुन चिपकली, हम अगर ब्रेक मारेंगे तो आधे घंटे तक बाइक रोड से चिपकी रहेगी। दो प्लेट अलग से निकाल के रख दे, क्योंकि जीतने वाला मैं हूँ। ओहो, अगर ये जीत गया तो प्लेट भी चली जाएगी। ए, एक काम करो, तुम दूसरी बाइक पर बैठो, जाओ। भैया भैया भैया, एक छोटी सी विनती। क्या है? दो प्लेट में से एक प्लेट मुझे चाहिए। तो उस बाइक में मेरे पीछे आ। वो सब मैं नहीं कर सकता, ये रेस तू ही जीतने वाला है। मेरी बेटी को पीछे बैठा दे और एक प्लेट मुझे दे देना। बैठा दे। आजा बेटी, आजा बेटी, आजा। तेरा एक बढ़िया सा फोटो मिलेगा क्या? वो क्यों? एक कोने में रख के पूजा करने के लिए। एक प्लेट के लिए अपनी बेटी को भेजने वाला तू पहला बाप है। अब आशीर्वाद भी दे दो। सुखी रहो। आशीर्वाद क्यों मांग रहा है? दाल में कुछ काला तो नहीं है? ब्रेक लगाने से गाड़ी रोड पे चिपक जाती है ना? यस, अभी पता चल जाएगा। ये तो स्लो रेस है ना, तो वो इतना फास्ट क्यों गया? अरे उस लाइन के पास जैसे वो जाकर ब्रेक लगाएगा ना, तो वो बाइक चुंबक सी खड़ी हो जाएगी। कहाँ से होगी? आधे घंटे के बाद तो वो गुजरात में पहुँच जाएगा। उसके बाद पता नहीं वो कब आएगा। तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो गई। अरे ये क्या प्रिया, तुम हो? सॉरी प्रिया। इट्स ओके, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है, जानबूझ के ही किया। क्या? चाहे कितने भी लोग हो, तुम्हारे सेंट की खुशबू पता लग जाती है। बेटी, गीले कपड़ों में ज्यादा देर रहोगी तो सर्दी पकड़ जाएगी। लो ये पी लो। पी लो बेटी, इससे सर्दी बुखार कुछ नहीं होगा। ये क्या, बाल इतने गीले हो रखे हैं, ठीक से पोछे नहीं क्या? एक काम करो, जाके कपड़े बदल लो, जाओ। इसे अपना ही घर समझो, घबराओ नहीं, जाओ बेटी।
बसंत एक मिनट मैं अभी आती हूँ। हेलो विंकी। क्या हुआ बॉयफ्रेंड है क्या? सॉरी प्रिया जानबूझकर टक्कर नहीं मारी है। मैंने जानबूझकर टक्कर मारी। डूबा दिल क्या बोले रास खुले तू जग क्या बोले बस्ती में जरा मौसम भी हरा सुलगा दे आज ये रादे डूबे मस्ती में जरा है मौसम भी हरा सुलगा दे आज ये रादे कल पिताजी बोलिए ना। तू कहाँ है बेटी? मैं घर ही जा रही हूँ पिताजी। अकेली जा रही है क्या? नहीं अनु के साथ में हूँ। सीधे घर पहुँचना। ठीक है पिताजी। पुलिस इंस्पेक्टर का किडनैप, पुलिस थाने से इंस्पेक्टर लापता। हाँ ये सब क्या है?
इंस्पेक्टर लापता हो गया लिखा है। उसके बारे में क्या करें, उसकी बीवी ठीक नहीं है इसीलिए बेचारा आजाद हो गया। अरे डिक्की खुली है। क्या कह रहा था? कह रहा था डिक्की खुली है। चाकू कैसे मारा तूने? एक ही वार में जान निकल जानी चाहिए। जब भी कोई काम देता हूं उसे अधूरा छोड़ देते। डिक्की में नारियल भरे हुए हैं, अचानक लॉक खुल गया। ए, गाड़ी चला। तू जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है, तुझमें अकल ही नहीं है, तू यहाँ काम करने के लायक ही नहीं है। अगर तूने दोबारा इसी तरह की हरकत की ना तो तुझे इस नौकरी से ही निकाल दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या यार, वो तुझे इतना डांट क्यों रहा था और तू सिर झुकाए खड़ा था, इतनी रिस्पेक्ट है? वो थूक का स्प्रे मारता है, मुंबई से थूकता है तो सूरत तक पहुंचता है, तो अब सोच मेरे मुंह का क्या हाल होता, इसलिए झुके कवर कर रहा था। मगर हुआ क्या? अरे छोड़ ना यार, क्या बताऊं। सर सर, यहाँ बकरी श्रुति इंस्ट्रूमेंटल शॉप कहाँ है? लुक अप। ये है बकरी इंस्ट्रूमेंटल शॉप। ए चलो अबे उठ ना, ये विजिटिंग कार्ड तेरा ही है ना? मेरा है। लोन मांगते समय क्या कहा था? वर्ल्ड टूर जाने वाला हूँ, म्यूजिक री रिकॉर्डिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, वो भी एआर रहमान के साथ सिम्फनी बजाने के लिए, लेकिन मरने वालों के लिए ढोल खरीद के रखे हैं। चाहता तो मैं भी हूँ। बाप ने मरते वक्त कहा, बेटे तुझे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बुलाएंगे, उनके पास मत जाना, अपनी परंपरा चालू रखना। उसे ही चालू रखा। हाँ, तेरा बाप उदयपुर का राजा और तू वहाँ का राजकुमार, वहाँ की राजाशाही के लिए परंपरा को कंटिन्यू करेगा। अबे चुसे हुए आम, बैंक का तूने 3 महीने से हफ्ता नहीं भरा, शराफत से हफ्ता भर दे। सर 2 महीने से धंधा डल है, आपने खुद देखा ना दुकान में कैसे मक्खी मार रहा हूँ। अपने एरिया में 4-5 को टपकवा दो, आके बजाता हूँ, वो पैसा तुम ले लेना। तुझे पहले पैसे दे, ऊपर से मुद्दे भी, तू ऐसा नहीं भरेगा। तुझे तो ए, कौन है तुम? मेरे आदमी को मार रहे हो, जान से मार डालूंगी। ये सूखी हुई इमली कौन थी, इतना चिल्ला के जा रही है? माई स्वीट डार्लिंग। सड़े हुए पकोड़े की शक्ल तेरे लिए स्वीट है। खैर वो सब छोड़ो, 1 महीने का ड्यू तो भरो, मुझे जाना है। सर मेरी बात समझने की कोशिश करो, शमशान घाट ठंडा पड़ा है, लोग वहाँ जुआ खेलते हैं या हग में मूत नहीं जाते हैं, यकीन नहीं तो चल के देख लो। क्या संडास जहाँ करते हैं, तुम्हारा बस चले तो मुझे और भी बहुत कुछ दिखाओगे, चलो वो भी दिखा दो। जी तो करता है दुए खींच के, पैसे लेकर बातें सुना रहा है। ये क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच है क्या, जो लोग ऐसे भाग रहे हैं? 3 दिन से बुढ़िया बहुत बीमार थी, तेरे कदम बहुत अच्छे हैं, वो टपक गए। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सोने की कोई खदान मिल गई हो। उल्लू का पट्टा। ए बकरी, वो बुढ़िया मर गई है, ढोल मस्ती में बजना चाहिए, डांस के लिए कुछ लोग लेके आ जाएगा ना? डांस के लिए ये है ना। हे मुझे क्यों बोल रहा है? चुप, एडवांस देके जा, हम लोग पहुंच जाएंगे। टाइम पे पहुंच जाना। हाँ आ जाएंगे। होए मुर्दे के सामने मुझे नाचने के लिए क्यों बोल रहा है? ड्यू चाहिए कि नहीं? हाँ तो चल। ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जब गांव के लोग मौजूद हैं, तो बाहर वालों को बुला के क्यों नचा रहा है? हाँ, ये ब्रूस विलिस, मैं जॉनी लीवर, और ये अवार्ड फंक्शन, ऐसे समझा रहा तेरी तो। ए बगरी ये बात ठीक नहीं है। ए अपने गांव में दूसरे गांव वालों की इज्जत करनी चाहिए, यही परंपरा है ना? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू ढोल बजाने में नंबर वन है, ये नाचने में नंबर वन, और दोनों मेरे लिए इंसाफ करें छी, भिखारी कहीं के। ये सब कैसे करता है यार तू? मुकुल, कलेक्शन करने के लिए अगला कस्टमर। गंगानगर धारावी, बहुत बढ़िया एरिया है, एंजॉय कर।
हे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे लोखंड वाले में भेज रहे हैं। ये धारा भी है वो भी कोई कंचना, पता नहीं यहाँ मेरा क्या हाल होगा जब देखो मुझे मुसीबत में डालते हैं। वसंत क्यों किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। ओहो पिताजी घर में ही है। कौन अग्नि? क्या कहा? अरे वही अग्निहोत्री। ये कॉफी तुम्हें किसने दी? ए ललिता क्या हुआ? मेरी कॉफी कहाँ है? ये तो खाली ग्लास है। मैंने तो उसी में भर के पिताजी की कॉफी ठीक से देखी है उसी में है। तू खुद ही आके देख ले। पहले तुम यहाँ से निकलो, पिताजी ने देख लिया तो बस हो गया। मजाक मत करो, जाओ अब जाओ ना, चलो। तेरे पिताजी के लिए कॉफी रखी थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो मैं लेकर आ गई। तू तो सुबह सुबह ग्रीन टी पीती है ना, आज कॉफी क्यों? बस ऐसे ही आज कॉफी पीने का मन किया। अगर बोलती तो बना के देती ना, उनकी कॉफी क्यों ली? माँ पिताजी तो रोजाना कॉफी पीते हैं, मेरा मतलब वो कॉफी ही पीते हैं। एक दिन मैंने उनकी कॉफी पी ली तो इसमें क्या हुआ? सुबह सुबह उसे क्यों डांट रही है, दूसरी कॉफी बना दे। तेरी वजह से ही सब होता है। सॉरी माँ। ओफो बताओ क्यों आए? अपनी वाइफ को देखने का मन किया तो आ गया। ठीक है देख लिया ना, अब जाओ। ए प्रिया यहाँ मैं इतनी उम्मीद लेकर आया हूँ, ऐसे ही भेज दोगी क्या? लेकिन तुमने कॉफी तो पी ली ना। कॉफी तो मुझे अपने घर में भी मिलती तो है। फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो जानती हो। ओके बस जरा सा। ओफो तुम्हें कसके पकड़ना चाहता हूँ, और बाकी सब बाद में देख लेंगे। वो सब कुछ नहीं, अब निकलो। निकलो भी। पहली बार तुम्हारे घर आया, वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। हेलो माता मंदिर के पुजारी है ना? जी हाँ। नमस्ते पुजारी जी, मैं ऑडिटर वाइफ लीलावती बोल रही हूँ। हाँ, जब से अपनी झाड़फूंक की उसका रात में बड़बड़ाना बंद हो गया। सब देवी की कृपा है। लेकिन दिन में पता नहीं क्या क्या बोलती है। आप मंदिर जाने से पहले अगर यहाँ आके झाड़फूंक करेंगे तो अच्छा रहेगा। कम आजो आजो। हे ओफो कुछ नहीं पूछूंगी, नहीं तो बोलेगी कि क्या मैं किचन में नहीं आ सकती। शाम को अनु की पार्टी में मिलूंगी, अब जाओ। बाय स्वीटी। बाय। ओफो कैसी हो बेटी? माँ ये क्या यार, मैं ही खाली इन करके डिसेंट से आया हूँ, बाकी सब लोग अपनी शर्ट यहाँ बाहर निकाल के आए हैं। अभी थोड़ी देर में देखना कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाय हैप्पी बर्थडे। हाय कम हाँ हैव अ सीट। फ्राइडे जितनी लड़कियाँ सच सवर के मंदिर नहीं जाती उससे भी ज्यादा लड़कियाँ यहाँ हर शनिवार में दिखाई देती है। हाय वसंत। हे मुकुल है बियर पिएगा? अबे बियर ऑर्डर करने के लिए ऐसे पड़ रहा है जैसे कल एग्जाम हो। यहाँ बियर पीने से अच्छा है बाहर पानी का पैकेट पी ले। ठीक है रम। अरे बाप रे सुबह उठने पर जब आँख खोलूंगा तो आँख खुलेगी नहीं। अबे यार तो क्या पिएगा? वसंत दारू पीनी चाहिए लेकिन गले में खराश आए बिना स्मूथ उतरनी चाहिए, वैसा कुछ ऑर्डर कर। ठीक है। अरे सुनो सर एक काम करो, दो लार्ज ब्रांडी। ओके सर। उधर देखा सब की सब कॉलेज गर्ल्स है, हमें देने वाला ब्याज सब यहीं पर आता है। ये पी ले आ गया है।
Cheers. Cheers. हाय वसंत. हे मुकुल. है बियर पिएगा? हाँ मैं बियर नहीं पीता हूँ. स्मूथ से उतरने वाली कोई ड्रिंक ऑर्डर कर. अरे सुनो, दो लार्ज ब्रांडी देना. ओके सर. स्मूथ हो गई तो वो हमें भी स्मूथ बनाएगा. ए सुन, सॉरी अनु, मैं थोड़ी लेट हो गई. बुला रही है. ठीक है मैं जाके बैठती हूँ. ये क्या? हाँ यार मैं जानता हूँ तुझे. खैर छोड़ना यार. कैरी ऑन. हाय. किसी चीज के लिए संकोच मत करना. हाय अनु. हाय. ए हैव अ ड्रिंक. ओ पहले से ही ऑर्डर देके मंगा लिए क्या? थैंक यू. ए वोडका में इतना पानी नहीं डालना चाहिए. तो कितना पानी डालना चाहिए? बस इतना सा ही. अच्छा एक कप चावल में कितना पानी डालेंगे? खेती में क्या है? धान की खेती. बढ़िया है. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वाह तू कौन है? एजेंट है क्या? नो बॉयफ्रेंड. मेरी दारू उतरे उससे पहले तू दफा. चलो हम उधर चलते हैं. जल्दी निकल ले. हाय अनु. हाय. तू भी सिंगल है? मैं भी सिंगल हूँ. क्यों ना हम दोनों मिंगल हो जाएं? व्हाट दैट मींस तू मेरे घर पे आके दिया जलाना, मैं तेरे हाथों में अपनी पगार रखूं. संडे 250 ग्राम मटन लाकर तू इसे डीप फ्राई करना. तुझे बताया बिना दारू पीकर आराम से मैं वो मटन खाऊं. ये सब कब होगा? यू वांट टू डेट? यस आवर मैरिज डेट. व्हाट आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो ऐसे बोल रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल. आई हेट मैरिज. ओके आइंदा ऐसी बात मत करना. कोई इज्जत लूटने पर भी इतनी चिल्लाती नहीं है जितना ये शादी करने के नाम से चिल्ला रही है. उल्लू की पट्टी मेरी भी दारू पी के चली गई. ए यहाँ आस पास में और कौन सी बार है? मैम ये आपके लिए. थैंक यू. सर रिपीट. क्या रिपीट? अरे ये मैंने नहीं मंगाया है, मेरे फ्रेंड ने मंगाया है. सर वहाँ आपने ही ऑर्डर किया था ना, तो ये कैंसिल कर दो. सॉरी सर. प्रिया एक काम करो, पी लूं? क्यों मना करूंगी तो नहीं पियोगे? तुम्हारे सामने हे टैटू ये कब बनवाया? कल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसीलिए सुबह सुबह मैंने जाके ये खुदवा लिया. सो स्वीट. खुदवाते समय बहुत दर्द हुआ? कोई खास नहीं, तुम्हारा चेहरा सामने था ना इसलिए दर्द नहीं हुआ. हाउ क्यूट. बहुत अच्छा है. Boom shakalaka baby, boom shakalaka, boom shakalaka baby, boom shakalaka. Time to rock and roll, rocka, maka maka naka. Hey, thoda na chale, thoda ba chale, thoda hasle. Ding ding, ho ja jhakas. 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 Everybody looking, I got pockets full of money, so stop hitting. Start slutting clothes, every man my face like blows like rain. रात है रंगीन मौज करेंगे धुन जो बजेगी डांस करेंगे. रात है रंगीन मौज करेंगे धुन जो बजेगी डांस करेंगे. हाँ कहे तो प्यार करेंगे ना कहे तो फिर भी करेंगे. थोड़ी सी तुम अंदर चढ़ा लो फिर अपनी बाहों में तुम भर लो. रात है तुम्हारी जी भर के नाच लो. टिंग 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 हो जा झका. रात का है ड्रिंक खोना कोई लिंक जोश में आके होश ना खोना. कीप योर बॉडी मूविंग जोर से दो झटके के. सिंग 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 गो. पंजाब में हरियाणा में तू भी मेरी ऐसी ही बोलती है. जलवा मेरा देखा कहाँ झटका दूं तो नोट यहाँ झड़ते हैं. झटका देने से नोट नहीं झड़ते हैं. झटकों में मेरे एक बड़ा जादू है. ऐसा है जलवा तो जादू भी खेल दे तू. टिंग 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 हो जा झटका. रात है रंगीन मौज करेंगे धुन
जो बजेगी डांस करेंगे। झूमो रे बाबा सती ये मस्ती है लूट लो बाबा। आ जा रे आ मेरे कोल साथ मेरे तू आगे डोल रे। संग तेरे में जो डोलूंगी धरती मानो जैसे जन्नत बनेगी रे। ये मेरा बस में नहीं आज रे। दिल को अपने थोड़ा संभाल रे। को संभालू या खुद को संभालू मैं टिंग 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 हो जा झकास टिंग टिंग हो जा झकास टिंग टिंग हो जा झकास। शकलका बेबे बूम शकलका बेबे बूम शकलका टिंग टिंग मका मका लगा है। अगर कहीं मरमुरा गया तो हा? ये मेरा ही नमक खाता है। इसे गाड़ी बेचने के लिए कहा तो गाड़ी ले जाके अकबर भाई को बेचता है। अरे ये सब बाद में देख लेंगे ना, पहले चल के खाना खाओ ना। हाँ भाई, मैं सुबह से यहाँ गोडाउन में ही हूँ। तुमने कहा था लोड आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया। हाँ क्या 3 बजे आएगा? ठीक है भाई। हाँ आने दो आने दो, बस मैं अब खाने ही जा रहा हूँ। हाँ ए, कौन है भाई तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे कौन है तू, पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, तुम जानते हो का? नहीं जानता। और इका? कहा ना नहीं जानता। भैया मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है भैया, ये सब उसी ने किया था। मैंने उसका कोई साथ नहीं दिया, वो इस समय मुंबई में है। मुझे छोड़ दो। ससुर का नाती, फेंक दो ये गिलास को। हेलो, क्यों प्रिया बिजी हो? ओके आई विल कॉल यू लेटर, बाय। प्रिया क्या बात है, गुस्से में क्यों? प्रिया प्रिया सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रिया क्या हुआ? प्रिया मैंने ऐसा क्या किया यार जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? ये क्या यार, तुम बच्चों की तरह रोने लगी हो। पार्टी में पता नहीं किसने मुझे चुमा दिया, ये तो मामूली सी बात है ना। ये तुम्हारे लिए मामूली बात हो सकती है, मैं रात भर सो नहीं पाई पता है।
मैं अपने से भी ज्यादा तुम्हें जाने लगी हूँ, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अब से कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। हेलो जेनी। हाँ बोलो। ओके, मैं पहले की तरह अब कॉकटेल पार्टी में नहीं जाता हूँ। देखो यार, मुझे पार्टी वार्टी से बहुत नफरत है। ओके बाय। थैंक्स प्रिया। क्या है वसंत? एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम डांटोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। प्रॉमिस प्रिया। प्रॉमिस यार। तुम्हें अपनी बाहों में भर के लिप टू लिप किस करने का मन कर रहा है। सब देख रहे हैं। ओहो। वर्मा से तो मिले ही नहीं। उसे कल देख लेंगे। भीमा। हाँ भाई। सारा स्क्रैप जहाँ जहाँ भेजना था भेज दिया। एक लोड बाकी है। अबे तो जल्दी भेजो ना, माल वक्त पे पहुँचना चाहिए। ठीक है भाई। ये शिप कब पूरा होगा? ये भी एक हफ्ते में हो जाएगा। हाँ आ रहा हूँ। ये क्या नागेंद्र, पेपरों में तेरा नाम ही नहीं है? इसीलिए तो मैं आया हूँ। आज से 25 साल पहले चौधरी ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और सारी जायदाद बेचकर गुजरात चला गया। अब मैं वहाँ फ्लैट्स बनाकर मुसीबत झेल रहा हूँ। अचानक उसका लड़का आकर अपने बाप की जायदाद मांग रहा है, अब मैं क्या करूँ? नागेंद्र, बाप की जायदाद बेटा मांगेगा ना, रेट ऊपर नीचे करके अपना काम निकाल ले। मैंने उसे 50 करोड़ देने को कहा, तब भी नहीं मान रहा है। कैसे मानेगा? तुम जब 250 करोड़ के 50 करोड़ ही दोगे, वो लेगा क्या? चाय ले। तुम क्या समझते हो चुपचाप लेकर यहाँ से गुजरात चला जाएगा? तू भी बहुत होशियार है। इससे बात नहीं बनेगी, वो बिल्कुल मानने वाला नहीं है। मैं वो 50 करोड़ तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे टपका दो, नहीं तो वो बार बार आता रहेगा, पैसे मांगेगा, केस डालेगा, ये सब जमने वाला नहीं है। अरे वाह, तुम मेरे से कितना बड़ा काम करवाने की सोच रहे हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें 50 के बदले 100 दूंगा, कल ही उसका काम तमाम कर दो, हो सके तो आज ही कर दो। ठीक है ठीक है, थोड़ा माल ढीला कर दो, ये लड़के सब संभाल लेंगे। वो सब मैं देख लूंगा। ए छोटे। हाँ भाई। इधर आ। तो कौन है, कहाँ है, छोटे को दिखा दो, ये सब संभाल लेगा। बात वो नहीं है, ये मामला बहुत गड़बड़ वाला है, तुम साथ में रहोगे तभी ठीक रहेगा। ओए, दूर खड़ा है इसलिए इसे मुझसे अलग मत समझ, हम दोनों एक हैं, जिस्म अलग हैं लेकिन जान एक है, इसलिए इसे भेज रहा हूँ, सब संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। अब जब तुमने कह दिया है तो। हेलो, पेटी तो रख के जा। ये अपना शास्त्री है ना? हाँ भाई। ये कुछ परेशान लग रहा है, ज्यादातर सिगरेट नहीं पीता है। ए राकेश, इधर आ। अभी आए भाई। उस काम का क्या हुआ? कहा बाद में देख लेंगे। क्यों? उनकी लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही थी और ये उन्होंने देख लिया, बस तभी से टेंशन में बैठे हैं। राजस्थान के लिए कितना लोड बाहर निकला है उसका अभी हिसाब नहीं आया। उन खदानों को तुम्हारे पिताजी डील करते थे, इसलिए तब अधिकारियों ने तुम्हारे पिताजी के पास से कितना लिया उससे भी ज़्यादा की इच्छा रख रहे हैं। वो लड़का कौन है? कौन? तुम्हारी लड़की के साथ जो लड़का घूम रहा है वो कौन है, पूछ रहा हूँ। वो हमारा कोई नहीं है। तो टपका तू उसे। ए, टपका नहीं, दो उसे। ऐसा कुछ मत करना, खाली समझा दो तो अच्छा है। तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। तू इधर आ, पहले शास्त्री की परेशानी दूर कर, बाकी बाद में देखेंगे। और वो काम? ए, वो हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा है, जानता है क्यों? मेरे बाप का जितना भी अकाउंट है सब उसी के पास है, समझा? इसलिए जैसा उसने कहा ठीक उसी तरह उस लड़के को धमकाना, कहीं मार वार मत देना, नहीं तो शास्त्री परेशान हो जाएगा, समझ गया? मैकेनिक भैया। क्या हुआ? फ्रंट व्हील पंचर हो गया है।
एक घंटे बाद आओ, लगा दूंगा। ठीक है, बना के रखिए, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है प्रिया, चलो तब तक पार्क में बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं। बाप रे, कितनी गर्म है ना। ए देख, हमारी जगह में कोई बैठा हुआ है। सुनिए भाई साहब। हाँ बोलिए। ये हमारी जगह है। ये क्या यार, होटल में टेबल बुक करने जैसा बोल रहे हो। दरअसल हम कहीं और बैठेंगे तो हमारे बीच झगड़ा होने लगता है। कितने साल से लव कर रहे हो? करीब 7 साल से लव कर रहे हैं। यहीं बैठकर? जी हाँ। तो फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? दरअसल इनके घर में एक समस्या है, लेकिन बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लव करते रहो। हाँ ठीक है। अरे सुनो, इतने सालों से यहीं बैठ रहे हो, गर्मी नहीं लगती? पास में जब लड़की हो तो ठंडा गर्म का पता ही नहीं चलता है। ओके बॉस, तुम लोग चालू रहो। प्रिया तुम इतनी उदास क्यों हो? हमारी शादी के लिए अगर घर में नहीं माने तो? तो इसमें क्या हुआ? मेरे पास एक आइडिया है। वो कौन सा? शिमला में मेरे दोस्त का एक बढ़िया होटल है। वहाँ पर जाके हम दोनों एक हफ्ता रहेंगे। उसके बाद? उसके बाद अग्निहोत्री को एक चिट्ठी लिखकर हम सुसाइड कर लेंगे। तुम्हें हमेशा मजाक सोचता है, सीरियसली बात नहीं कर सकते? तो हम लोग कल ही शादी कर लें। हम दोनों की शादी होगी, ये बात तो एकदम पक्की है। जो भी होगा मैं देख लूंगा। मैं जाके देखता हूँ स्कूटी तैयार हुई कि नहीं। क्यों, किस लिए? साइड में जाके सिगरेट पीने के लिए ना? तुम यही बैठो, मैं जाके देख के आती हूँ। बैठा हुआ है ना, वही है। ए प्रिया। हाँ बोलो वसंत। तुम पास से भी दूर से देखने में बहुत सुंदर दिखती हो प्रिया। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच मुझे बस तुम ही दिखाई देती हो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मुझे दूर से ही देखते रहना, ठीक है? जाओ उसे बुला के लाओ। ए, ए, छोटे भाई को इसी ने मारा। ए, आजा आजा, उसे बात नहीं करनी है, उसे तो उठाना होगा, अभी उठाना होगा, भाई को बताता हूँ। ठीक है, इन सब का कितना हुआ? हाँ बोल भाई। एक जरूरी बात है भाई। अरे बोल ना। जिसकी कमर में कुल्हाड़ी मारी थी ना, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और यहीं पर है। ये तो क्या बोल रहा है? मेरे वार से आत्मा भी कांपती है, तू जिंदा ही बोल रहा है? ठीक से देख। वही है भाई, उसका चेहरा भूल सकता हूँ क्या? छोड़ना नहीं उसे, छोड़ना नहीं उसे। हाँ भाई बोल दे, उसे जाके मैं टपकाता हूँ। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। जरा होशियारी से, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। किसको मारने की जरूरत की?
देवी देवताओं के नाम पर एक झटके में बलि चढ़ा देता है ये। चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, उनका सर धड़ से अलग करने की हिम्मत रखता है ये। हाँ। अरे वो है कौन, किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसने छोटे को मारा? सर ये करने वाला जरूर यहाँ का नहीं होगा, जरूर किसी बाहर वाले ने आकर यहाँ पे काम किया होगा। चलो डॉक्टर से मिलते। ठीक है चलो। ट्रीटमेंट चल रहा है, आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। डॉक्टर ये क्या बोल रही हैं? अगर इसके बड़े भाई को पता चल गया ना, पहले हमें देखने तो दीजिए वो जीता है कि नहीं। आप पहले वहाँ जाके बैठिए, मैं बता दूंगी। मेरी बात सुनिए, वो आरा मशीन में काम कर रहा था उसी में फंस गया, तुम ऐसा केस बना दो। भाई को जो बोलना है वो मैं बोल दूंगा, तुम जाओ 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 जाओ। कहाँ ना जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ। पुलिस वालों को उल्लू समझते हैं। हाँ सर। लगता है इन्हें टपकाने के लिए नया गुट बन गया है। बिल्कुल सही कहा। सुनो इस काम को छोड़कर चुपचाप तमाशा देखते हैं। ठीक है। पद्मा। क्या हुआ? फोन बज रहा है, उठा। कोई अच्छी खबर होगी देखना। ला दे। हाँ बोल। बिहारी के बेटे को मारने को कहा था ना। हाँ। वो मरा नहीं, वहाँ से भाग गया। ये तू क्या बोल रहा है? उसके साथ साथ उसका बाप भी आया था, हम कुछ नहीं कर पाए भाई। अबे तू क्या बड़बड़ा रहा है, पहले ये बता उसे मारा कि नहीं? नहीं भाई, उसने हमारे छोटे छोटे को। ए, उसे क्या हुआ भाई? छोटे को क्या हुआ भाई? वो बता। उन्होंने छोटे को बहुत बुरी तरीके से मारा, अस्पताल में भर्ती करा दिया है। छोटे को देखकर बहुत डर लग रहा है। जिस तरह से छोटे को मारा गया लगता है वो मारने के लिए आए थे। वो मुंबई से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चारों तरफ अपने आदमी फैला दो, मैं आ रहा हूँ। तू बच्चे को लेकर घर जा। शनि उतारने के लिए मैं यहाँ आया और शनि मुझे ढूंढने के लिए मुंबई चला गया। डॉक्टर हमार बिटुआ कैसा? घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब समझे का हम काहे एक अपने पास रखने को बोले रहे, हमसे दूर रख के मार डालने का चाहिए। आपके बेटे पे हमला करवाने वाला और कोई नहीं, वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यह नर्स के सिवा किसी को आने मत देना। घर के चारों तरफ सब जगह अपने आदमी लगा दो, जाओ। तुमने जो किया गलत है, तुमने जो उससे पैसे लिए अगर वो नहीं लौटाए तो तुम एक नंबर के कमीने हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जमाना कह रहा है। संस्कारी आदमी वही होता है जो दूसरों के संस्कार को समझता है। चलो भैया सब चलो। ऐसे मैंने क्या बोला जो ताली बजा के चले गए? भैया भैया नमस्ते। बड़ा जबरदस्त भाषण दिया, लेकिन जितने भी लोग थे सबके सब ताली बजाते हुए चले गए, ऐसा क्यों? रहने दो, उनकी बात छोड़ो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? भैया मैं बैंक से आ रहा हूँ, यहाँ किसी धर्मवीर ने हमसे लोन ली है, उससे मिल के वेरिफिकेशन करने के लिए आया। क्या आप जानते हैं वो कौन है? अभी अभी जो नाटक किया वो नहीं देखा क्या? तो तुम यहाँ नाटक कर रहे थे, मैं समझा पंचायत बिठाई थी। भैया मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो धर्मवीर मैं हूँ। जिसे खोजने निकले वो शैतान? भैया भगवान भगवान। हाँ भगवान की तरफ आप स्वयं सामने आ गए। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि कहीं किसी बदमाश को लोन देकर कुत्ते की तरह ढूंढता फिरूंगा। आपने लोन लिया है जानने के बाद अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कितनी शांति मिली है। आपने जो यहाँ पर घर बनाया ना लोन लेकर, बस वो घर दिखा दो, एक फोटो लेना है। उसका फोटो किस लिए? क्योंकि ऐसा हर एक बैंक में करते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। अब जो ये घर बनाया है ना, कहीं क्रैक तो नहीं, पानी तो नहीं रिसता है, वो सब देखकर फोटो निकाल के देंगे तो बैंक की फाइल में रख देंगे। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए सुमित्रा इधर आ। बस अभी आई, तुम भी आ जाओ। पागल कहीं की मुंह धो के फोटो लगा के आना चाहिए था ना, ये फोटो निकालने वाले हैं। निकालो भैया। नमस्ते भैया। इनका नहीं, आपने जो घर बनाया ना उस घर का मुझे फोटो निकालना है। यही तो घर है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आया ना, मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया था, उस लोन से जो घर मैंने बनाया वो यही है। घर दिखाने के लिए बोला तो तू घरवाली दिखा रहा है? अच्छा पीछे ये सब कौन है? वो महाराष्ट्र बैंक, ये तुम्हारा बैंक, ये केरला बैंक, और वो आंध्रा बैंक, उसके पीछे जो है वो राजस्थान बैंक, आखिर में जो है झारखंड। यानी तुमने बैंक बैंक जाकर जो हाउसिंग लोन ली उससे सीमेंट और ईंटों से कोई घर बनाया नहीं, सिर्फ घरवाली बनाई है। हाउसिंग लोन लेने के बाद ही हाउसवाइफ बनी। ओ अबे वो रावण की औलाद, ओपनिंग में तू कुछ बोल रहा था ना, जरा बोल। संस्कारी आदमी दूसरों के। अबे तेरे कर्म फूट गए क्या? तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे तो सिर मुंडवा के घुमाना चाहिए। जी तो भैया
कानून मैं भी जानता हूँ। बैंक से जो लोन लेते हैं अगर वो नहीं भर पाए तो जिस चीज के लिए लोन लेते हैं उसे जब्त करते हैं। ओ तो तू मुझे कानून समझा रहा है? जरूर करूंगा, जब्त करूंगा। ए चल। ए ये वाली नहीं। अच्छा तू चल। अरे ये वाली भी नहीं। अबे तो कौन सी वाली? इसे ले जाओ। ये ले जाऊं? इसका ड्यू खत्म हो गया। मुझे रखे बड़ा मर्द बनता है, लेकिन तू तो सबसे गया गुजरा है। मुझसे क्या कहा था कि मुझसे जो लोन ली उससे ये घर बनाया? नहीं, 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 नहीं। और अब ये क्या, जिसका ड्यू खत्म हो गया वो खंडर दे रहा है, इसे ले जाके डेमोलिश करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। चल। ए, 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 चिल्ला क्यों रही है? जाना, सुबह बैंक आकर पर्सनल लोन लेके छुड़ा लूंगा। यानी कल बैंक आकर पर्सनल लोन भी मांगेगा? छुड़ाना जो है। मैं जानता हूँ तू जिस चीज के कारण लोन ले लेकर घर बनाया जा रहा है, अगर वो चीज ही नहीं रहेगी। मान सिंह, हम बेटे को अस्पताल से घर ले आया हूँ, अब वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चिंता मत करना। हाँ। बेटे बेटे उठ बेटा, ये दवाई खा ले। बेटे तुम यहाँ क्यों आए? तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, फिर भी यहाँ चले आए। वो तुझे जीने नहीं देंगे। मुझे उन लोगों से कोई डर नहीं लगता है, तुम्हें देखने से मुझे डर लगता है। यहाँ से तुम लोग चले जाओ, मेरी समस्या मैं देख लूंगा। ए, ये तेरी कौन सी समस्या है? ये हमारी समस्या है, हमारे परिवार की समस्या है। वो लोग कौन है पता है ना? वो लोग तेरे खून के प्यासे हैं। जब देखो हाथ में हथियार उठा कर चले आते हो, ये क्या हमारी परंपरा है? हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यह हथियार हमारे हाथ में ही रहेगा, ये हमारी परंपरा है, पीढ़ियों से ये परंपरा निभात रहे हैं, ये हमारे देवता हैं। जब तक ये हमारे साथ है सब हमार पूजा करेंगे, जो नीचे फेंक दिया तभी उठाने वाले की हम पूजा करेंगे। और इसके लिए हम तैयार नहीं हूँ, हमारी बात मान, चल के गाड़ी में बैठ, गाँव चलते हैं। उसके लिए पहले मुझे मार दो। बेटे तुझे डॉक्टर ने उठने के लिए मना किया है ना बेटे, लेट जा लेट जा। उससे दूर रहकर मैं नहीं जी पाऊंगा। वो भले मेरे जैसा ना बने, जैसे जीना चाहते हैं जिए, लेकिन मेरे साथ रहे, बेटे को समझाकर साथ ले चल। वो भी तेरी तरह जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। तू लड़की के माँ बाप से मिलकर उसकी शादी पक्की कर दे, वो आ जाएगी तो ये भी आ जाएगा। पिताजी। शास्त्री जी। सब अच्छा ही होगा। कौन हो तुम? ई का बेटी, बताया नहीं का? आजकल के बच्चे भी। लाओ ले बेटी, ई का अंदर ले जाके रख दो, और एक ग्लास पानी ले आना। आओ शास्त्री, तनिक बात करते हैं। हे, जूते पहन के घर में क्यों आए, बाहर निकाल कर आओ। दिमाग से पैदल बिना कहे कुछ नहीं करते हैं। हाँ लाओ। बाप रे। हाँ जानता हूँ, हमरे विरोधी के पास ही काम करते हैं ना, कौनो बात नहीं, हमरा विरोधी तो वो ससुर का नाती है ना। खैर छोड़ो, यहाँ शुभ कार्य की बात करने आए हैं तो वो सब का है। अभी तक हमरे बिटुआ को तुम्हारी लड़की अच्छी लगती थी, लेकिन अब हमको भी अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर, सरस्वती की तरह है।
हमारी जात में भी लड़के हैं। कालू, हाँ बोल बोल। भाई बिटवा कैसा है? बिल्कुल ठीक है भाई, हमने उसे उठा लिया। अरे वो छोड़, उससे पहले एक शुभ कार्य करना है, गांव जगमगाना चाहिए। हाँ, अगले हफ्ते गांव में महोत्सव। महोत्सव? ये क्या बोल रहे हैं? हमरे बिटुआ की शादी रे। टीका समझ ही नहीं रहा है। तब तो बकरे की बिरयानी बनानी पड़ेगी। हे हे हे, भोजन के लिए वो यादव नहीं, वो मनोहर को बोल देना। मनोहर को? ले भाई मानसिंह, तू ही बात कर ले। क्या हो गया? अपने लोग तो नॉनवेज खाते हैं ना। शाकाहारी बोल रहे हो? वो सब हम हमारी तरफ से देखेंगे ना। वो तो ठीक है, लड़की कैसी है? बिल्कुल सरस्वती है रे। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। भाई फोटो भेजिए ना, बाजार में कटआउट बैनर लगाएंगे ना। एक मिनट, फोटो लेने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? किसे रोक रहे हो? पागल कहीं के? कौन है वो? हमार समधी? माफ करना, जरा सा चेहरा दिखाओ। बैनर लगाना चाहते हैं ना? ले SMS, MMS, जो भी है भेज दे, जल्दी भेज। हाँ। हाँ। देखो हमारे बच्चों की शादी है, हमार मर्जी से ही होनी चाहिए। तुम्हार मर्जी ना हो तो भी शादी होगी। तो मैं चलता हूँ। आओ भैया आओ, पहले आराम से बैठो। हे, तू तो मुझे ऐसे बुला रहा है जैसे नाई की दुकान में ग्राहकों को बुलाकर बैठाते हैं बाल काटने के लिए। तू ड्यू भरेगा या नहीं? गुस्सा मत हो भैया, माला बैंक वाले भैया आए हैं, जरा जल्दी तैयार कर। अभी तैयार करती हूँ। हाँ हाँ। अरे सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ, तेरा 1.5 लाख का ड्यू बाकी है, अगर नहीं भरा तो जब्त करने के लिए बोल दिया है। भैया जल्दबाजी मत करो, गुस्सा मत करो, आज तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा। जरा खिड़की खोलो। ओए, अंदर लेडीज कपड़े बदल रही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम खोलो तो सही। मेरी बात सुन, इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 100% आज हो जाएगा, पहले तुम खिड़की खोलो। ये क्या, तेरे घर में औरत फांसी लगा रही है? ये क्या कर रही है? अबे तेरी घरवाली जाके बचाना उसे। अरे रुक जा, ऐसा मत करो। अबे खड़ा क्यों है, जाके बचाता क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी वजह से। बैंक से कर्जा देकर सामने वाले की हालत जाने बिना हर दूसरे दिन पैसा मांगने आ जाते हो, आज हिसाब पूरा हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने आज इसे क्या कर दिया? मैं आग लगा लूंगा, मैं आग लगा लूंगा। अरे तुम बाहर निकलो, मर जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अरे ऐसा मत करो। अरे भैया रुक जा, परेशान हो गया हूं मैं, तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे जीते जी मत मार। अब मैं तेरे घर के पास में नहीं दिखूंगा, मुझे जाने दे। लेकिन अभी तो आया है ना, मेरी सारी इज्जत गोबर में मिला दी तूने, अब मैं मोहल्ले में सर उठा के कैसे चल पाऊंगा? तो फिर उल्टा होके नहीं, बाहर मैं कुछ लोगों को पैसा दिखाकर कह दूंगा मिल गया। वो तो ठीक है, तू जाके बोलेगा उसने जितने पैसे निकलते थे सब लौटा दिए हैं, हर महीने भर दूंगा, ऐसा बोलेगा? नहीं, मैं बैंक में नहीं बोलूंगा। बकवास बंद कर, जानता है मेरा बाबा आदम का जो चिराग है वो अब कौन जलाएगा? कौन सा बाबा आदम का चिराग? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? नहीं समझा। ए हसमुख रानी, इधर आ, आजा। ये मेरी लड़की है, इसके गले में कौन मंगलसूत्र पहनाएगा? हाँ तो उसके लिए? तेरी वजह से जो मेरी इज्जत गई है वो तुझे ही लौटानी होगी, इसलिए तुझे ही इससे शादी करनी होगी। ए उम्र में बड़ा है, छोड़ रहा हूँ, नहीं तो हालत खराब कर देता। हा? मैं शादी नहीं करूंगा तो फांसी लगा लेगी। अबे जाना, कोई और ढूंढ। ठीक है, जा रहा हूँ। जा, हमें जा रहा हूँ। लेकिन तेरे जाने से पहले तेरे घर पुलिस पहुँच जाएगी। क्यों? मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला हूँ, हमारी मौत का तू ही कारण है, ऐसा लिखकर मरेंगे। तू लटक जा, मैं जलाता हूँ, अभी जलाता हूँ, अभी जलाता हूँ। अरे रुक ना, करता हूँ। ले पहना दे। ए ये क्या, तूने पहले से ही योजना बना के रखी थी क्या? मैं घर में माँ बाप से पूछ के आके करूँगा। सुन, अगर तू चाहता है कि मेरी बीवी फांसी का फंदा खोल दे तो मेरी बेटी के गले में इसे बांधना होगा। बांध। ए पीठ में छुरा भोंकने वालों को तो मैंने देखा है, लेकिन फांसी का फंदा दिखाकर शादी कराने वाले को आज देख रहा हूँ। ये क्या एक्टिंग कर रहा है बाप, उसे फंदा खोलने को बोल। तू ऐसे ही रहना जब तक ठीक से ना पहनाए। ए पागलों के सरदार, पहना दिया है, अब उसे बाहर आने को बोल। बाप रे, दहेज के बिना लड़की की शादी करना कोई मजाक बात थोड़ी ही है। हे भगवान। Thank you.
भाई वो रहने दो, रहने दो। ए, उसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, नहीं। वो मेरा छोटा भाई नहीं है, वो मेरी जान है। सॉरी सर। छोटे, देख मैं आया हूँ, देख छोटे, देख। वो इस वक्त कहाँ है? ओके अनु। ओके बाय। हाय वसंत। अनु प्रिया कहाँ है? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कैसे उठाएगी? वो पहले से ही डरी हुई है। बहुत डरी हुई है। और नहीं तो क्या, उस दिन पार्क में तुम्हारे पिताजी को देखकर घबरा गई थी, ऊपर से तुम्हारे पिताजी गुंडों के साथ घर पहुंच गए, तो डरेगी नहीं तो और क्या। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करेगी। क्या है? मुझे प्रिया से मिलना है। प्रिया किसी से बात नहीं करना चाहती है, तुम जाओ यहाँ से। ये प्रिया को बोलने दीजिए। इसमें प्रिया क्या बोलेगी? तूने मेरी लड़की को बीच रोड में खड़ा करके उससे शादी की बात की और तेरा बाप 4-5 गुंडों के साथ आकर जबरदस्ती शादी का मुहूर्त निकल के गया, ये क्या ठीक है? अगर तूने उसी दिन इसे मना कर दिया होता ना, तो आज हमारा ऐसा अपमान नहीं होता। इससे बेकार में क्या बात करनी, तुम जाओ यहाँ से। पहले बात सुनो, हम लोग बहुत संस्कारी है, हमें इंटरकास्ट मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है, वी डोंट लाइक, जाओ यहाँ से। ये क्या प्रिया, सब मुझे भगाने पे तुले हुए हैं। तो फिर ये और क्या बोलेंगे, तुम लोग इतने बड़े गुंडे हो, हम समझ नहीं पाए थे, अच्छा समझ के विश्वास कर लिया। तुम्हें भुलाने के लिए थोड़ी दिन तो मुझे परेशानी होगी, लेकिन मैं भूल जाऊंगी। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पिताजी भी गुंडे के ऑडिटर हैं, तो क्या वो भी गुंडे बन जाएंगे? ओहो, माना कि तुम अच्छे हो, लेकिन हमें तुम नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ मैं भी गुंडा हूँ, गुंडा हूँ, गुंडा हूँ, गुंडा हूँ, हाँ मैं गुंडा हूँ, 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 मैं गुंडा हूँ। Yeah.
मेरे बाप के बारे में गांव वालों से पूछ। ये सारे गांव हमारे कंट्रोल में है बोलकर तूने पुलिस में कंप्लेंट दी ना, तेरे कंप्लेंट देने से वो हमें उठा लेंगे क्या? थू। बेटे, उससे फालतू में काहे बात कर रहा है? हाथ रहेगा तो ही कंप्लेंट लिखता रहेगा ना। ले काट दे। चल भाग, भागना। अबे भागना। मेरे बाप को जो 10 गांव में इज्जत मिलती है वो मेरे डर के कारण मिलती है। मेरा डर तुझ में क्यों नहीं है? डरना चाहिए ना। ओए कौन है? अनाप शनाप नाम लिखे हैं? जिन्होंने मंदिर बनाने के लिए दान दिया ना, उन्हीं का नाम है। अबे देखो, मेरे बाप ने दान देकर ये मंदिर बनवाया और ये आकर अनाप शनाप लोगों के नाम लिखवा रहा है। बहुत बढ़िया। मेरे और मेरे बाप के कारण इस गांव में किसी के आने की हिम्मत नहीं। बुरे वक्त में बुलाते हो और अच्छे काम में क्यों नहीं बुलाते हो? इधर आ। हाँ बोलो। इन्होंने कितना दान दिया? करीब 1,00,000 रुपए। ये पकड़, 2,00,000, और जो भी काम बचा है निपटा दे। लेकिन शिला पे एक ही नाम होना चाहिए, वो भी मेरे बाप का नाम। वही रुक जा, सब लोग क्या तुम्हारे गुलाम है? तुम्हारे बाप का नाम लेने से अच्छा है मर जाए। अबे तो मर जा। बच गया तू। अबे सुन, सब लोग अपने बाप पे गर्व करते हैं, लेकिन मेरा बाप मुझ पे गर्व करता है। इस गांव से भाग जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। शारदा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों है? क्यों पसंद नहीं है? और नहीं तो क्या, हमको स्कूल में प्रोग्राम करना है। गाने में बहुत ठुमके लगने चाहिए, जैसे डिस्को डांस होता है ना। डिस्को डांस? लो अब देखो। एए, ये क्या खेतों के बीच में आके डांस कर रही हो? भागो यहाँ से।
तू क्या गांव में नहीं है? नाम क्या है? मधुबाला। मैंने तेरा नाम नहीं उसका नाम पूछा। उसी का नाम है मधुबाला। हमारे घर मेहमान आई है। ए कलुटी, तू उसका सपोर्ट कर रही है? चल जगह खाली ए, कर। जल्दी चल। ए, तू कहाँ जा रही है? रुक ना, मुझे देखते ही तू मुंह सिकोड़ लेती है। मैं क्या तुझे मवाली दिखता हूँ? हाँ बोल रही है। मवाली क्या करता है पता है ना? जानती है या नहीं? वो यहाँ छुएगा वहाँ छुएगा। तुम जाओ यहाँ से। पार्टी इस गांव की है, तेरे कहने पर आया हूँ। अगर हमारा सौदा हो गया ना तो गोरे गांव के भंगार का तू ही ओनर होगा। सब आपकी कृपा है। अरे संभल गए। हाँ चाचा, मैंने लोड भेज दिया है, थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगा। तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? अरे उससे क्या बात करनी, उठा लो ना उसे, बाकी मैं संभाल लूंगा। ए, कौन है ये जो ऐसे फोन पे बात करते हुए जा रहा है? ये इसी गांव के बहुत खतरनाक लोग हैं। आप आराम से चलाइए। आराम से चलो, अभी दिखाता हूँ उसे। भाई रहने दो, वरना गांव वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे। अब तो अच्छा लग रहा है भैये। गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देख क्या रहा है, हल्का सा लगा है इसीलिए तो जिंदा बच गया। अब संभल के चलो रे। अबे मैं यमराज से बात कर रहा था। उसने क्या कहा पता है? उसने मुझे तेरी सुपारी दी। अब चले चल। अबे चल। अरे मुर्गा आया बहती गंगा में हाथ धोते हैं चलो। जो भाई कौन है तू, किसके ऊपर हाथ उठाया? मारो भाई इसे, मारो मारो। अबे देखता क्या है? अरे आवाज कैसी, मार इसे मार। अरे कौन है ये? अर्जुन के ऊपर हाथ उठाया। तुमने हमारे अर्जुन पे हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? अरे छोड़ दादी, के पट्टे कहीं के कमीने कहीं के, भाग यहाँ से। चल चल, इसे छोड़ना नहीं, इसे ऐसा सबक सिखाना जिंदगी में हाथ उठाना पाए। चल अर्जुन भैया, मुझे भी मारना है। अबे देखता है क्या है? अबे चल चल। अबे अभी से क्यों थक गया? अभी तो और 8 गांव हैं। चलो। तू मुझे चाहे कितने ही गांव घुमा ले, मार या मेरा अपमान कर ले,
लेकिन जान से मार देना, तू मुझे जिंदा मत छोड़ना। हमारे गांव में आ गया, हमारे अर्जुन को धमकी दे रहा है। अबे छोड़ना, अबे ए, चल भाग यहां से, मेरे गांव में मेरे ही सामने। तू कभी भूल नहीं पाएगा। आराम से संभाल के जाना बेटे, बेटे अगले हफ्ते याद से आ जाना। मैं जरूर आऊंगा। हमारी जान बचा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? बच्चे डाले पैरों में क्यों रो रहे हो? पैर पड़ते हैं। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया भैया यहाँ कहाँ आए? गलती हो गई भैया। भैया मुझे कुछ मत करना भैया, मुझे माफ कर दो भैया। पहले से नीचे डाल इसे, और कितने लोगों को काटते फिरोगे? ओए उठ के जा, जहाँ पर तू नौकरी करता है लगता है वहाँ भी तेरे पैरों में ऐसे ही बच्चे गिरते होंगे। हंस लो, जोर से हंसो, हंसने के लिए ही तो उसे ऐसा बनाया है। तुम कैसे बाप हो? देखो ये क्या बन गया, बचपन में ही इसके हाथ में हथियार देकर इसे अपने जैसा बना दिया। छह, उसे देखकर मुझे खुद तरस आता है। मैं तेरा जैसा हूँ इसलिए तुम दोनों जो अपराध करते हो उसकी सजा मैं भुगतता हूँ। इसीलिए मुंबई नौकरी करने चला गया। तुझे जाने के लिए किसने कहा? हमारे परिवार में जन्म लेकर बैंक में नौकरी कर रहा है, बुढ़ापे में बाप को सहारा दिए बिना शहर में जाके बैंक की नौकरी कर रहा है, बड़ा आया। अस्पताल में जब नर्स ने हमसे कहा जुड़वा बेटे हुए हैं, तभी समझ गया हमारे दो शेर पैदा हुए हैं, वही से ही हमने पाला। लेकिन तू नरम दिल कैसन हो गया? अरे तू कब बदलेगा? इनकी बात सुन के हथियार उठाता है, वही हथियार एक दिन तुझे मार डालेगा। इन दोनों की वजह से मेरी शांति लूट गई है, ऊपर से हफ्ते में मुझे दो दिन यहाँ आना पड़ता है। बेटे अगले हफ्ते याद से आ जाना। उसे जाने दे, तू चल। ₹10 रस्ते का माल सस्ते में, ₹10 रस्ते का माल सस्ते में। ₹10। अच्छा ठीक है ले लो। वो भी ₹10, सारी चीजें 10-10 की हैं। बेचारी गूंगी है, मांग रही है, अब मैं मना तो कर सकता हूँ, ले लो। ए, तूने अभी गूंगी किसको कहा? तू गूंगा होगा, तेरी अम्मा होगी, तेरी बीवी होगी, तेरा गांव होगा। मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, जो लेना है लेके जाओ जाओ। आइंदा भूल से भी मत बोलना। क्यों री, मैं क्या झुमरी तलैया का दिख रहा हूँ? उस दिन गूंगी बनकर तू बच गई, आज भी वैसा ही करने का सोच रही है, आज तू नहीं बचेगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता? उठा के ले जाके तेरा रेप कर दूंगा, बाद में उठा के कहीं फेंक दूंगा। जब तुम हथियार पकड़ते हो तुम्हारा हाथ नहीं कांपता, लेकिन मुझे छूने से तुम कांप जाते हो। दूसरों के लिए भले ही तुम बुरे होंगे, लेकिन इस गूंगी के लिए तुम चाहे जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही हूँ। वहाँ कौन है? जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो मैं कौन हूँ? अब जाना। कहाँ? तू जिससे प्यार करती है तेरा इंतजार कर रहा है, जाना। अपनी औकात दिखा दी ना। अरे जाना। छे।
मुझे घूर के देखने वाले को ही मैं नहीं छोड़ता हूँ। तूने तो मुझ पे हाथ ही उठा दिया। तभी मैंने कहा था कि मुझे जिंदा मत छोड़, मार दे बहुत पछताएगा। बड़ों की बात माननी चाहिए, मगर तूने नहीं माना। भैया भैया, ये किसने किया? अरे छोड़ ना भैया। भैया आज तक दुश्मन मेरे हाथों से मरते थे, नहीं जानता था मेरी मौत दुश्मन के हाथों होगी। 5 मिनट पहले मैंने सोचा था सब छोड़ दूंगा। उसका नाम मधुबाला है। शादी करके जीने की खुशी अलग होती है, उसके लिए सब छोड़ सकता हूँ। उसके साथ में जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे बचा ले यार। भैया मैं तुम्हें बचाऊंगा, भैया मैं तुम्हें बचाऊंगा। भैया आंखें खोलो, भैया 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 आंखें खोलो, भैया 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 भैया। भैया मेरा बच्चा वहीं रुक जाओ, इसके पास मत आना। कितना समझाया मैंने, कोई मेरी बात नहीं माना और इसकी जान ले ली। इसको किसी और ने आकर मारा ऐसा सोच रहे हो? इसे तुमने मारा है, तुम्हारी जिद ने इसे मारा है। अपने जैसा ही इस बेचारे को बनाकर, हाथ में हथियार देकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी भी यही हालत होगी। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इसकी जीने की इच्छा को बर्बाद कर दिया, इसे तुमने जान से मार दिया। अपने आप को बाप कहते हो, इसके बाद भी अगर सोचते हो कि मैं गुंडा हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं प्रिया। कॉफी शॉप चलो। किस लिए? कोल्ड कॉफी पीने के लिए।
लगा लगा लारी लगा तू ही मेरा प्यार है तू ये कहती है। लगा लगा मेहंदी लगा 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 लाली लगा तू ही मेरा प्यार है हाँ कहती हूँ। मेरे कलेजे की ठंडक बनेगी तू शादी रचा के मेरी रानी बनेगी तू। हाँ 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 ऐसा ही होगा रे। हाँ तो कहेगी तू फिर भी न छोड़ूंगा दुल्हन बना के मैं रखूंगा तुझको। जोड़ी वही है जो ऊपर से लिख जाए तू क्या बनाएगा दुल्हन मुझे। चोर इन आँखों में भी ये अरे 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 ऐसे कहाँ जाती है। जो ना कहेगी तो जबरन उठा के मैं तुझको ले जाऊंगा घर से तेरे। जबरन उठाने की तुझको जरूरत क्या चलने को राजी हूँ मैं संग तेरे। लगा मेहंदी लगा 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 लाली लगा तू ही मेरा प्यार है तू ये कहती है। पांडे नहीं उठा रहा है। हे पांडे, हे मानसिंह, ये क्या हुआ है? पप्पू ही आया था का? वो तो नहीं आया, अपना लड़का ही हम सबको बांध के लड़की से मिलने गया है। वो अकेला गया? हाँ भैया जी, लड़की से मिलने अकेला ही जाएगा ना। अरे उल्लू के पट्टे कही के। जोरे क्या हुआ? बाप बेटे अगर पाताल में भी होंगे तो मैं बाहर निकाल लाऊंगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? चल इधर। इस बेचारी ने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो भाई। मैं तुम्हारे पिताजी का विश्वासी हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो छोटी है। जिन्हें तू छोटा कह रहा है उन्होंने मिलकर मुझे चैलेंज किया है। इसे उठाऊंगा तो वो दोनों जहाँ भी होंगे निकल के आएंगे। भाई रहने दो, भाई छोड़ दो उसे। जब मेरा छोटा ही नहीं रहा तो अब क्या? चलो पिताजी। हेलो भैया, उसने हमारी बहू को उठा लिया है। भैया जी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? हमारी बहू को उसने उठा लिया है। बोले भैया जी, हमारी बहू को उठा लिया है। ऐसा बोले बिना तो हर बीवी को उठा लिया है, ऐसा बोलो जी। अच्छा, अपने बिटुआ को हथियार उठाए हुए आज हम देखूंगा। वसंत
लड़की को उठाते ही तू यहाँ चला आया, अब तेरा बाप भी यहाँ पहुँचेगा। बाप बेटे ने मिलकर मेरे छोटे को टपकाया, अब तुम लोग मुझे टपकाना चाहते हो? आ जाओ, आना। जब तूने मेरे भैया को मारा तभी मैं तुझे मार सकता था, और आज ये नौबत ही नहीं आती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन खून के बदले खून बहाना मैं नहीं मानता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ, छोड़ उसे। ए, मेरे वार के सामने आत्माएं भी कांपती हैं, और तू मेरे सामने जिंदा के खड़ा है। उसकी शक्ल में जो भी आएगा मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बसंत! ए, उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा दो। काम करो, उधर जाओ। आजा, आ, तू अपने बड़े बेटे की मौत नजदीक से नहीं देख पाया, लेकिन इसकी मौत तो जरूर देख पाएगा। आजा, ए, तू हमारे बेटे के पीठ में वार करके मार दिया बोल रहा है? तू सच मुझ का मर्द है तो इका साथ लड़के दिखा। ले पकड़, इका मार के इके टुकड़े टुकड़े का डाल। इसकी लाश को ले जाकर अपने बिटुआ को भेंट चढ़ाऊंगा। तुम्हें अपने बेटे का खून का बदला लेना है इससे, और वो अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता है, लेकिन मैं जो जिंदगी भैया जीना चाहते थे वो मैं जीना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटे को खूनी नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन तुम मुझे खूनी बनाना चाहते हो। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन खून के बदले खून बहाना जिंदगी नहीं कहलाती है। हकीकत की जिंदगी अलग है, और मैं वही जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, अपनी जिद के कारण तुमने भैया की जान ले ली। जब अपनी औलाद ठीक से नहीं पाल सकते तो हमारी औलाद कैसे पालोगे? एक बार हथियार नीचे डाल के देखो, जिंदगी हसीन लगेगी।